हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्य सर। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपका कम से कम समय लेना चाहता हूँ, समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब है एवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। द बिगनिंग ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया डज बैक टू 1929 व्हेन इट वॉज डिक्लेयर बाय द वर्किंग कमेटी ऑफ इंडियन कांग्रेस लाहौर कन्वेंशन दैट द पोवर्टी इज नॉट ओनली ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय द फॉरेन रूलर बट ऑल्सो इल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इन 1931 ड्यूरिंग कराची कन्वेंशन द सेम अबव ऑब्जर्वेशन पॉवर्टी हैज़ रिपीटेड। यानी कि भारत में पहली बार 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर वर्किंग कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, उसमें इस सोशलिज्म के बारे में बात हो रही। मैं आपको बता दूं कि पहली बार 26 जनवरी 1929 में लाहौर सेशन में तिरंगा लहराया गया था, इसलिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं। इसके अंदर ये बात हुई थी पॉवर्टी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेन रूलर्स ड्यू टू विच, कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अंदर पॉवर्टी, फॉरेन रूलर वगैरह इन सब की उस सेशन में बात हुई थी। वापस 1931 के अंदर कराची कंजर्वेशन के अंदर भी ये सब कुछ रिपीट हुआ था सोशलिज्म में पहली बार। गांधी जी इस्टेब्लिश सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेज फॉर्म रिलेटेड टू इंडियन आइडल्स। आफ्टरवर्ड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्सेट्रा प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल रिमेनिंग द पॉपुलरिटी ऑफ सोशलिज्म अमंग द पीपल। यानी गांधी जी ने सोशलिज्म की स्थापना की है और इसके बाद इन सभी लोगों ने इसको बरकरार रखा है। मेन फीचर्स ऑफ सोशलिज्म आर द अपोजिशन ऑफ द कम्युनिज्म एंड द कैपिटलिज्म, फेथ इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, फेथ इन ह्यूमैनिटी, सपोर्ट ऑफ स्पिरिचुअल मॉरल टेनेंट्स अगेंस्ट द क्लास स्ट्रगल, सपोर्ट टू इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रीडम, पब्लिक कंट्रोल प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, फेथ ऑफ सोशलिज्म प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनलिमिटेड ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एम ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। नाव इन हिंदी, अगर हिंदी में समझाया जाए तो मेन फीचर क्या है सोशलिज्म के, जिस दूसरे आइडियोलॉजी से लोग बताते हैं, तो सोशलिज्म का सबसे बड़ा फीचर है ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का बिल्कुल विरोधी है और लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, मानववादी ह्यूमनिटी में विश्वास रखता है, सपोर्टर ऑफ स्पिरिचुअल और मॉरल टेनेंट्स, क्लास स्ट्रगल के बिल्कुल खिलाफ है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम यानी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का बिल्कुल सपोर्टर है, पब्लिक कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी हर किसी का अधिकार है राज्य के कार्य में, फेथ ऑन सोशलिज्म प्रोटेक्ट अनलिमिटेड प्रॉपर्टी के खिलाफ है, असीमित प्रॉपर्टी के खिलाफ है। अगर मैं ना एकदम पूरा डिटेल में समझाऊँ तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल के समझाता हूँ, इसलिए समझ आएंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डिटेल में भी समझाऊँगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शन सोशलिस्टिक सोसाइटी विद देयर इन्वॉल्वमेंट एंड द कोऑपरेशन। यानी पूरे समाज का विकास होगा करना और सबका भागीदारी भी। सोशलिज्म ऑलवेज बिलीव ऑक्यूपाइंग पावर ऑफ गवर्नेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग, यानी सरकार में भागीदारी और पावर शक्ति का उपकरण कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक रूप से ही होता है। नाउ द मेन एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। Income tax must be imposed on the income of a wealthy person and the amount received from must use in helping poor. यानी जो अमीर लोग हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनके ऊपर कर लगाया जाए और उस कर को गरीबों के ऊपर और विकास के अंदर खर्च किया जाए। Banks and industries must be nationalized so that the state full control over its economy. Bank के ऊपर और economy, bank और industry को पूरा nationalize, राष्ट्रीयकरण किया जाए जिससे कि पूरे देश में इकोनॉमी के ऊपर कब्जा हो और देश का विकास हो सके। ऑल मस्ट गेट एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी एंड एकेडेमिक रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट वेजेस ऑन अ हॉलीडे मस्ट ऑल्सो बी इंश्योर। यानी कि सबको रोजगार मिले, कैपेबिलिटी
उनको अपनी कैपेबिलिटी जो कि वो जो डिज़र्व करते हैं उसके आधार पे, और जो उन्होंने पहले किया है उसके आधार पे रोज़गार मिले सबको। अप्रोप्रिएट वेजेज और हॉलीडे मस्ट बी एंश्योर्ड। वेजेज यानी जो रोज़ मज़दूर अपने कार्य पे जाते हैं तो रोज़ का रोज़ 400-500 रुपये जो मजदूरी की हाजिरी होती है वो मिले, और छुट्टी भी मिले, जैसे 15 दिन में छुट्टियां करते हैं ये लोग। ऑल मस्ट गेट एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू दे, ये हो चुका है, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। ऑप्टिमम वेलफेयर स्कीम मस्ट बी लॉन्च सो दैट द सिटीजन मे बी हैव कम्फर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ। यानी ऑप्टिमम वेलफेयर स्कीम सरकार को लागू करनी चाहिए ताकि सब आरामदायक और खुशी से जीवन बिता सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म, इन सोशलिज्म मैनी गुड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म हैज़ बीन कॉम्प्लीट कम्बाइंड अंडर द दिस सिनेरियो द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉलो। यानी कि सोशलिज्म है, उसके अंदर सोशलिज्म खुद का तो अलग है ही, उसके साथ ही कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की भी विचारधाराएँ के अच्छे अच्छे जो पॉइंट हैं वो इसके अंदर जुड़े हैं। हम आगे पढ़ते हैं। इट्स कंसीडर्ड द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इक्वलिटी, पूरे समाज की और एक व्यक्ति अकेले की सबका भी इंटरेस्ट इसके अंदर रह जाता है। सोशलिज्म डज नॉट फोकस ऑन द एरेंडिकिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी बट वॉन्ट्स टू लिमिटेड सोशल इंटरेस्ट। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म नहीं करना चाहता परंतु एक लिमिट तक ही सपोर्ट करता है। दिस एडवोकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमेन्स, कि ये डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहता है, केंद्रीकरण नहीं, डिकेंद्रीकरण, अकेंद्रीकरण या डिकेंद्रीकरण चाहता है, भले राजनीति के अंदर हो या फिर इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था के अंदर हो। इट इज़ हेल्पफुल इन द सेटिंग द सोशल अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, एक समानता के आधार पर सोशल अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं सोशलिज्म के अंदर। डिफीट ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ सोशलिज्म, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द सोशलिज्म आर एज डिफेक्ट्स, यानी इसकी बुरी क्या बातें हैं, नो क्लियर थॉट, इसमें कोई एक थॉट नहीं है, हर किसी के अलग अलग थॉट है इसके अंदर। इंक्लूड्स म्यूचुअली अपोजिट एलिमेंट, यानी इसका जो अपोजिट एलिमेंट है उनको भी इंक्लूड कर दिया है। अपोजिट नेचुरल पॉसिबिलिटी, यानी नेचुरल पॉसिबिलिटी अपोजिट है। अब इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे रख सकते हैं, किसी को भगवान ने किसी प्रकार पैदा किया, किसी को कोई सोर्स दिया, किसी को कैसा सोर्स दिया, तो इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना असंभव होता है। पेट्रोनेज द करप्शन अरेंजमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये करप्शन को बढ़ाता है और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ है। कंक्लूजन, इन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म कैन बी क्रिटिसाइज्ड इन पार्शियल टर्म, इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू सोशलिज्म, कि सोशलिज्म का कोई अल्टरनेटिव नहीं, भले इसकी कितनी बुराई करो। अब जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ जाते हैं। 1516 के अंदर ऑप्टेपिया थॉमस की मोर की बुक आई थी। 1779 के अंदर फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था। 1848 के अंदर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म बुक कम्युनिस्ट मैनुफैक्चर, 1848 में मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनुफैक्चर बुक काल मार्क्स की छपी थी। 1829 के अंदर लाहौर के अंदर मीटिंग हुई थी और 1831 के अंदर कराची के अंदर इंडियन कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। दो ये बड़ी मीटिंग है दो। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता परंतु जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को भी फ़ायदा होगा।